मां भवानी भी। क्या हाल चाल है अड्डे का? सब खुशी खैरियत है अड्डे। अभी तक अपने सरदार जी क्यों नहीं आए? सरदार जी आते होंगे, आइए इंतजार करते हैं। सरदार जी, आप बहुत देरों से मेरा इंतजार करते हैं। क्यों नहीं सरदार? हमको आने में लेट हो गया है। एक बात आज हम तुमको बताना चाहते हैं। कौन सी बात है बताइए सरदार। उसे ध्यान पूर्वक सुनना। क्यों नहीं? और जो मैं कहूं वही तुमको करना होगा। ठीक है सरदार। और सुनो का मतलब यह है कि किसी दुखिया और गरीब को नहीं सताना है। क्यों नहीं सरदार? बहुत अगर दुश्मन मिल जाए तो उसे फौरन मुल्क के दम पर बैठना होगा। क्यों नहीं सरदार? मेरे इस जिंदगी में दो ही दुश्मन है और उनसे निपटने के लिए मैंने बहुत दिन से उनकी तलाश और इंतजार किया, वो मिल नहीं पाए। आज हम चलते हैं माँ देवी के पास, कुछ उनसे आराधना करते हैं, शायद अपना काम बने। चलो, बहुत अच्छी बात। बरसों से आता हूं, मेरी मनोकामना पूरी नहीं होगी लगता।
मनोकामना का पूर्ण होगी। मैं उस नागराज को और उस हरामजादे रंजीत को कब मुलाकात होगी, कब धम उसे गोली से मारेगी। धीमा तुम तो जानते हो ना मेरी कहानी। उस नागराज ने और रंजीत हरामजादे ने हमारे साथ क्या किया, हमारी बेटी की इज्जत लूट कर उसे गोली मार दिया है और हम 20 साल की सजा काट कर अब छूट कर आए हैं। ओ हरामजादे मिलेंगे, हम फौरन गोली मारेंगे। चलिए सरदार, आज चलने की तैयारी करते हैं। जय मां भवानी।
मंत्री से वापस नहीं आई है, हॉस्पिटलों का इंतजार करते हैं। आइए गुस्से में बेटी विद्या तुझे आज क्या हो गया, बेटी विद्या तुझे बेटी विद्या तुझे आज क्या हो गया, गोद में कहे नैना किए लाल है, किसी ने कोई बात अनचित
उस बलखवा की लड़की की ये जुर्रत कि मेरी बेटी के बदन में हाथ लगाए। डैड, जैसे ही मैं मंदिर करने पूजा कर रही थी वैसे ही वो मुझे अकेली पकड़ मेरे बदन में हाथ लगाया, मेरे को छेड़ने की कोशिश की उसने। मैं ये क्या सुन रहा हूँ? उस बलखवा की लड़की की जुर्रत कि मेरी बेटी के बदन में हाथ लगाए। बालो ठाकुर, मैं तुझसे जब भी पूछता था कि गांव के क्या समाचार है तू मैं सही बताता था। बेटे तू सब ठीक है? अरे क्या खांसी है? रणवीर सिंह इसी वक्त जो उस बड़े के लड़के को घसीटते हुए हवेली पर लेकर आया। ठीक बालो ठाकुर, उस हराम जादे को मैं इसी वक्त घसीटते हुए। आप कुछ नहीं कर सकते हो डैड। बिटिया, आप इन्हें सिर्फ खिला खिला कर मोटा कर लो, इससे काम धाम कुछ नहीं सपरने वाला। डैड, आज ये बिंदिया अपने अपमान का बदला अपने हाथों से खुद चुकाएगी। लाइए बंदूक मुझे दीजिएगा। बेटी, तो तू अपने अपमान का बदला खुद चुकाएगी? तो जा बेटी, अगर ऐसी बात है तो उस अमृत को गोली मार दे, उसने तेरे बदन में हाथ लगाई है, मार दे उसे गोली। हरामजादे, अमृत तूने मेरे बदन में हाथ लगाया है, जब तक मैं तेरे सीने में गोली नहीं उतार दूंगी, जब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगी। इनका चेहरा तो देखो, चेहरा देखो इनका, चेहरा देखो जैसे परान भेड़ी। डैड, इनके हाथों में चूड़ियां पहना दीजिए और राजमहल में बिस्तर दे दीजिए, ऐसो आराम करें। आज अपने अपमान का बदला है बिंदिया खुद चुकाएगी। अरे लाले थे तुम्हें ठिकुराई पे, तुम तो सिर्फ खाने पीने के शौकीन हो, काम करने के लिए तुम्हारी नानी मरती है। बाले ठाकुर, आप मेरा अपमान कर रहे हैं। अपमान नहीं तो हम थोड़ा संस्कार करें, हम जब भी तुम्हें भेजते थे बड़े ठाकुर सब ठीक है, कोई जवान नहीं खाता है, औलाद उस बड़कोई के लिए क्या चुने कि मेरी बेटी के बदल में हाथ लगाए। जब मैं जाता था लोया की तरफ तो सब कुछ ठीक रहता था, उस हराम चाहते ने आज ऐसा किया। रंजीत सिंह, आज बिटिया बहु गुस्से में है और बंदूक लेकर गई है, अगर वो अमृत का बच्चा मिल गया तो आज मेरी बेटी बिंदिया उसे छोड़ेगी नहीं। लेकिन तुम्हें क्या करना है, तुम्हें तो अच्छा अच्छा खाने को मिलना चाहिए और कूलर की हवा मिलनी चाहिए। जाओ कूलर चलाकर आराम से लेटो, तुमसे कुछ काम सपने वाला नहीं है। भले ठाकुर, ये आप अच्छा नहीं कह रहे, अपमान कर रहे हैं मेरा। मुन्नीलाल, खड़े खड़े बेइज्जती करा रहे मुन्नीलाल, ये खड़े तो हन कोनो दूरी हन का। बिंदिया और बड़े ठाकुर, तूने रंजीत सिंह का अपमान किया है और ये रंजीत सिंह अपने अपमान का बदला ना चुकाया तो रंजीत सिंह मेरा नाम नहीं। मैं दिखाऊंगा कि ठाकुर नीत होती क्या है। आज से देखोगे रंजीत सिंह वो चाल चलेगा कि तुम्हें बिखेर देगा। तहीं के चार बात कहा कह दी हजार मार गुस्साएगा, कहा थे आज से ऐसी चाल चलूंगा, कौन चाल चली भाई लोखड़ी सियार न चले। चलो कहा करेगा, ठाकुरन का काम है ठाकुर जाना है, चलो चल रहे कहना। अरे भौजी भाग चलो परदेसावा, भौजी भाग चलो परदेसावा, हिया मुहुल जावा हाँ।
कृपया वहां अनाउंस लिखा दो, हम अनाउंस कर देंगे। मुंशी आए। यस सर। ये बताइए मुंशी आए। नमस्ते चौकीदार। ये बताइए मुंशी जी, अभी तक मुंशी रामदयाल क्यों नहीं आए? सर उनका तो काम ही है, कभी एक घंटा लेट आते हैं तो कभी दो घंटा। ओ या लेकिन मुंशी जी हमेशा लेट आते हैं। यस सर। आने दो, आज हम उनसे पूछते हैं आखिर लेट में क्यों आते हैं? क्यों नहीं बैठिए, हम मुंशी जी का आने का इंतजार करते हैं। क्यों नहीं बैठिए। मुंशी रामदयाल जी सर, आप ये बताइए आप इतना लेट में क्यों आते हैं? सर आप पूछ रहे इतना लेट क्यों आते हैं? जी आप ये तो आप दो घंटे लेट आए हैं। वो तो हम जानते हैं कि हमारे आठ घंटे की ड्यूटी है, आठ घंटे में हमने दो घंटा लेट हो गए हैं। जी अगर हम दो घंटा लेट हो गए हैं तो हमारा दो घंटा काट दिया जाए। मुंशी जी, जी सर सरकारी ड्यूटी है, समय से आया करो, आखिर आप लेट क्यों हो जाते हैं? ऐसा कोई जरूरी काम पड़ गया है इसलिए आज हम दो घंटे लेट हो गए हैं सर। ओ, यानी कोई जरूरी काम पड़ गया था। जी मुंशी जी, जी सर आखिर ऐसा कौन सा काम पड़ गया जो आप लेट हो गए? काम ये पड़ गया है कि मेरी बीबी की डिलीवरी होना था, उसे जिला अस्पताल ले गए थे, इसलिए जिला अस्पताल से वो आने में दो घंटा लेट हो गए। कोई बात नहीं मुंशी जी। जी सर अगर आपको जरूरी काम ही पड़ गया था तो आप लेट हो गए हैं, कोई बात नहीं है। लेकिन एक बात आपसे कहना चाहता हूँ। वो कौन सी बात है सर? मुंशी जी आप तो भली भांति जानते हैं, परदेश आए हुए हमें छह महीने बीत गए हैं। जी हम जो परदेश आ रहे थे ना मुंशी जी, जब अपने घर से परदेश आ रहे थे, हमारे बापू ने मुझसे कहा था जितेन परदेश जाते ही एक खत लिख देना, लेकिन आज तक हमने घर के लिए खत नहीं डाला। आपको परदेश आए हुए अपने घर से छह महीना हो गए। जय मुंशी। आते समय तुम्हारे डैडी जी ने कहा है कि जाते ही खत लिख देना। जी हम पढ़ेंगे। लिखे मुंशी जी। जी सर आज मेरा दिल कहता है हम घर के लिए खत डाल दें। तो ये कौन सी बड़ी बात है साहब? क्या आप आए छह महीना हो गए हैं, आप अपने घर के लिए पत्र डालेंगे? आप डाल दीजिए, आपका पत्र जाएगा, आपके माँ बापू सुनेंगे तो कितना खुश हो जाएंगे। अगर टोला पड़ोसी सुनेंगे तो वो भी खुश हो जाएंगे। ये खुश क्या है? खुश क्या है? वो कहते हैं, अरे खुश कहते हैं। हाँ वही तो हम ही कहते हैं खुश हो जाएंगे। हाँ खुश नहीं खुश हो जाएंगे। खुश हो जाएंगे। तो मुंशी जी ये कोई बड़ी भारी बात नहीं है। आप पत्र लिखिए मुंशी, आज ही डाल दीजिए। अरे मुंशी जी पत्र लिखिए, मुंशियाइन से दे दो। मुंशियाइन मुंशियाइन हमारा सामान पकड़ो दे दो। मुंशी जी जितना बोलो उतना लिखना, उतने लिखेंगे जितना आप बोलेंगे उतने लिखेंगे, फर्जी से ही बर्बाद नहीं करेंगे। कापी कलम बहुत महंगी आ रही है। लिखिए मुंशी जी, सेवा में निवेदन है कि सेवा में श्री सिद्ध सर्वयोगमा योग पत्र लिखा। आप बोलिए। सेवा में निवेदन है कि मैं यहाँ आकर राजी खुशी से रह रहा हूँ। सेवा में निवेदन यह है कि मैं यहाँ आकर राजी खुशी से रह रहा हूँ। रात वाला रा जहाज वाला जा, राजी खुशी से रहकर रह रहा हूँ। रह रहा हूँ और मैं आशा करता हूँ, और मैं आम वाला आ। अरे मुंशी जी कितना पढ़े हो?
तीन कक्षा पढ़े हैं, इसीलिए तो जोड़ तोड़ लिखते हो। जोड़ के तो लिखना है साहब, नहीं तो आई कहाँ। और मैं आशा करता हूँ आप लोग भी राज्य खुशी से रह रहे होंगे। और मैं आशा करता हूँ कि आप लोग और राजी खुशी से रह रहे होंगे। माँ बापू को चरण छूना श्रेष्ठ हो। माँ मछली वाली माँ बापू को चरण छूरा। ये क्या लिखा है? माँ और बापू को चरण छूरा। चरण छूरा छूना कहते हैं। छूना और क्या नहीं? तो इसे छूरा तो लिखता है। हम यानी चरण छूरा देना। अरे नहीं यार, मुंशी जी से कर दो। चरण छूना स्पर्श हो। और छोटे भाई अमृत को प्यार का चुम्बन पहुंचे। छो छाड़ी वाली छा टमाटर वाला टा टमा के पाई छोटे 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 भाई अमृत को प्यार भरा चुम्बन पहुंचे। आधा पर ही ना प्यार भरा चुम्मा पहुंचे। इसमें ये भी लिख देना मैं यहाँ आकर नौकरी पा गया हूँ। इसमें ये भी लिख देना मैं यहाँ आके नौटंकी में भर्ती हो गया हूँ। ऊंचा सुनते हो क्या यार? अरे मैं यहाँ कर नौकरी पा गया हूँ। मैं यहाँ कर नौकरी पा गया हूँ, वो भी फौज की नौकरी। हम यानी कहा नौटंकी में भर्ती हो गया। अरे यार मन से मैं यहाँ आकर नौकरी पा गया हूँ, फौज की, वो भी फौज की। छुट्टी मिलते ही बहुत जल्द घर आऊंगा आपका बेटा जितेन फौजी। हमें टट्टी लगते ही बहुत मारूंगा मुंशी जी अभी। आप तो क्या कहते हैं? टट्टी लगते ही घर टट्टी लगते है बोलता है रामजगन। अबे छुट्टी मिलता ही कहते हैं।